हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में आई मराठी मूवी अजिंठा। तो ये एक रियल लव स्टोरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1819 से, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर हंटिंग पे निकला था अपनी टीम के साथ। तभी उन्हें महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास वाले इलाके में अजिंठा केव्स को ढूंढ निकाला। केव्स में गौतम बुद्ध की बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो 2000 साल पहले बनाई गई थी, और वो दिखने में आज भी उतनी खूबसूरत थी। लेकिन वहां पर जाने के लिए अच्छा सा रोड नहीं था, इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर ने तब के निजाम से हेल्प मांगी और उन्होंने अपने कुछ आदमियों को भेज दिया और गांव वालों की मदद से वहां पर रोड बनवाया गया। उन केव्स की खूबसूरती देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट गिल नाम के एक पेंटर और ब्रिटिश सोल्जर को वहां पर भेजा ताकि रॉबर्ट उनकी पेंटिंग्स बना सके और इसे सब लोगों को दिखा सके। रॉबर्ट गन और पेंटिंग ब्रश दोनों ही बहुत अच्छे से चलाता था। जब उसने केव्स को देखा तो उसे वो बहुत खूबसूरत लगी। लेकिन रॉबर्ट के पेंटिंग का सामान लंदन से आने वाला था और वो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन रॉबर्ट पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही था। केव्स के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था तो उसने केव्स के अंदर पानी भरवा दिया और केव्स के बाहर सफेद कपड़ा लगा दिया ताकि सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर केव्स के अंदर चली जाए, जिसके बाद केव्स में एक अलग ही रोशनी आने लगी और सारी पेंटिंग्स और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। उन पेंटिंग्स की खूबसूरती देखकर रॉबर्ट से अब और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सफेद कपड़े पर ही ड्रॉइंग बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके पास कलर्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो परेशान हो गया था। रॉबर्ट की परेशानी पारो नाम की एक लड़की देख लेती है जो वही के गांव में रहती थी। पारो रोज गौतम बुद्ध की मूर्तियों को फूल चढ़ाने के लिए आती थी। पारो रॉबर्ट की परेशानी समझ गई और उसने नेचुरल तरीके से कुछ रंग बनाए और रॉबर्ट को दे दिए। रंग देखकर रॉबर्ट काफी खुश हो गया और वो अपनी पेंटिंग्स बनाने लगा। पारो उन गुफाओं में फूल चढ़ाने के लिए रोज वहां पर आया करती थी। गिल और उसके बीच में इशारों में बातें होने लगी थी क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते थे। पारो को मराठी आती थी और गिल को इंग्लिश, इसलिए दोनों इशारों में ही एक दूसरे से बातें करते थे। तो वही पारो की बात करें तो पारो के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बाद में उसके भाई ने उसकी देखभाल की, लेकिन उसमें भी लालच आ गया और उसने पारो को मुखिया को भेज दिया। पारो जब बहुत छोटी थी तभी मुखिया ने उसके साथ रेप किया था, इसलिए पारो ने डिसाइड किया है कि वो जिंदगी भर अकेली ही रहेगी और किसी से शादी नहीं करेगी। पारो और गिल के बीच में दोस्ती अब बढ़ने लगी थी। पारो के आने की वजह से गिल बहुत ही मोटिवेटेड फील करता और वो पेंटिंग्स और ज्यादा खूबसूरत बनाता। गिल अब पारो को पसंद भी करने लगा था और वहाँ की हर एक पेंटिंग में उसे पारो दिखाई देने लगी थी, लेकिन वो पारो को कुछ भी बता नहीं पा रहा था क्योंकि उन दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं थी। तो वही पारो भी गिल को पसंद करती है, लेकिन वो अपना पास्ट नहीं भूल पाई थी, इसलिए वो सोचती है कि वो गिल से मिलना कम कर देगी। पारो कुछ दिनों के लिए केव्स नहीं आती तो गिल परेशान हो जाता है। वो पारो को ढूंढता हुआ उसके घर चला जाता है। वो पारो को दिखाता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। गिल ने पारो की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जो वो पारो को दिखाता है। पारो भी समझ जाती है कि गिल उसे पसंद करने लगा है। उन दोनों की सारी दूरियां मिट चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आने लगे थे। पारो अब रोज केव्स जाया करती थी और गिल को पेंटिंग्स बनाने में मदद करती, और उनकी ये बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर गांव वालों में उनकी बातें होने लगी। जब ये बात मुखिया तक पहुंची तो वो पारो को धमकाने के लिए चला गया कि अगर उसने गिल से मिलना बंद नहीं किया तो वो गिल को जान से मार देगा। पारो ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और वो केव जाना बंद कर देती है। पारो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड कमला को बताती है। कमला जब गिल को बताने आ ही रही थी तो कमला के घर को आग लग गई। गिल जब वहां पर आता है तो उस घर में पारो भी थी। गिल जान पर खेलकर पारो को उस आग से बाहर निकालता है, जिसमें गिल को भी काफी चोट लगी थी, जिसके बाद पारो उसका ख्याल रखती है और गिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। होली का त्योहार आ गया था और सब लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। पारो और गिल को साथ देखकर पारो के भाई को गुस्सा आ गया, इसलिए वो पारो को लेकर मुखिया के पास चला जाता है ताकि पारो को याद रहे कि वो मुखिया की अमानत है। लेकिन गिल ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो उनकी तरफ गन पॉइंट आउट करता है। ये देखकर पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और गिल से कहते हैं कि उनका कल्चर अलग है,
उनके यहाँ पर ये सब कुछ चलता होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो पारो से दूर रहे। गिलू ने समझाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो नहीं समझेंगे, इसलिए वो वहां से चुप होकर चला जाता है। पारो अब गिल को और ज्यादा मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो केव जाना बंद कर देती है। लेकिन गिल उसके बिना पेंटिंग्स बना ही नहीं पा रहा था, तो पंडित जी और कुछ बाकी लोग मिलकर पारो को मनाने की कोशिश करते हैं और पारो मान जाती है और वो फिर से केव जाने लगती है और फिर से गिल अपने काम पर लग जाता है। जल्दी उसकी कुछ पेंटिंग्स बनकर रेडी हुई थी, जिसे गिल लेकर इंग्लैंड जाना चाहता था ताकि वो उसका एग्जीबिशन कर सके और अपनी पेंटिंग्स को सबको दिखा सके। लेकिन गिल की जाने की बात सुनकर पारो उदास हो जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। अगले दिन पारो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बात को कमला के साथ शेयर करती है और कमला उसे कहती है कि वो जाकर गिल को सब कुछ सच बता दे। लेकिन पारो समझ नहीं पा रही थी कि वो गिल को कैसे बताएगी, क्योंकि अभी भी वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे। फिर भी पारो गिल से मिलने चली जाती है। गिल की जाने की तैयारी हो चुकी थी और वो कुछ सामान ही पैक कर रहा था। पारो उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन गिल को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। पारो पेंटिंग्स की तरफ भी इशारा करती है, लेकिन फिर भी गिल समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि पारो उसके जाने की वजह से दुखी है। वो पारो से कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। पारो बहुत कोशिश करने पर भी वो गिल को समझा नहीं सकी कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने परेशान होकर गिल को सिंदूर दे दिया और उसे अपनी मांग में भरने के लिए कहा, ताकि पारो इस रिश्ते को एक नाम दे सके। लेकिन गिल को ये भी नहीं पता था कि सिंदूर क्यों भरा जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि पारो ने उनसे शादी कर ली है। गिल पारो से वादा करते हैं कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और जल्दी उसके पास वापस आ जाएंगे। ये कहकर गिल वहां से चले जाते हैं और पारो के पास उनका इंतजार करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। गिल इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर उनकी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है। सबको वो पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि हर एक पेंटिंग गौतम बुद्ध की कहानी रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसकी वजह से गिल बहुत खुश थे। तो वही पारो सिर्फ गिल का इंतजार किए जा रही थी। उनकी ना तो कोई चिट्ठी आई थी, ना कोई आने की खबर। पारो रोज की तरह केव जाया करती थी और वहां पर सब बातें शेयर किया करती थी, जैसे कि गिल वहीं पर हो। लेकिन जिन लोगों को पारो और गिल के रिश्ते से प्रॉब्लम थी, उन्होंने आखिर पारो को मार ही दिया, ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। तो वही अपना काम खत्म करने के बाद गिल इंडिया वापस आ गए। वो आने के बाद पारो से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे। उन्होंने पारो के लिए एक मोतियों का हार भी लाया था, लेकिन पारो के जाने की खबर अभी तक उन्हें पता नहीं चली थी। जब वो पारो को ढूंढते हुए आए, तब उन्हें पता चला कि पारो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गिल के जैसे होश ही उड़ गए। वो पारो से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। वो इस खबर से इतना ज्यादा टूट गए थे कि वो वापस कभी पेंटिंग ही नहीं कर पाए। पारो उनके लिए उनकी इंस्पिरेशन थी और वो चली जाने के बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स निकालना ही बंद कर दिया। वो हमेशा केव्स में ही रहते और वहां पर उन्हें पारो के होने का एहसास होता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और गिल ने सोचा कि वो पेंटिंग्स नहीं कर सकते, लेकिन वो इस खूबसूरत जगह को फोटोग्राफी के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दिया। जितनी उनकी पेंटिंग्स खूबसूरत थी, फोटोज भी उतनी अच्छी थी। तो वही लंदन में एक्सीडेंटली गिल की पेंटिंग्स को आग लग गई, जिसमें से चार ही बच पाई, जो आज भी लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। लेकिन गिल को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अजंता के केव्स में ही रहते थे। वहां पर उन्हें पारो का होने का एहसास होता और वो अब इस एहसास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन केव्स को छोड़कर वो कभी भी नहीं गए। उन्होंने वहां पर पारो की याद में संगमरमर का एक मकबरा भी बनवाया था, जो अभी भी वहां पर मौजूद है। ऐसे ही सालों गुजर गए, लेकिन गिल अपनी पारो को नहीं भूल पाए और 1871 में गिल की भी मौत हो गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर रही और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। पता नहीं पारो को मारने वाले वो लोग तब कहाँ थे जब मुखिया ने पारो का रेप किया था और उसके भाई ने कुछ पैसों के लालच में पारो को मुखिया को बेच दिया था। तो ये थी अजंता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।